तो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। हाँ, चलो आप कुछ बोलो। आज मैं निट्टो के घर पे आया था और एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे पास जो पाइप था सेल्फ प्राइमिंग के लिए, मैं उसको ट्राई कर रहा था लेकिन वो बहुत दब रहा था, वो वेरी सॉफ्ट पाइप। सो उसने मुझे रिकमेंड किया कि थोड़ा कड़क पाइप लेके आओ, और फिर मैं वो लेके आया और यहाँ पे टेस्ट किया तो सेल्फ प्राइमिंग बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू कट द स्टोन, और क्योंकि उसने स्टार क्यू W3 से भी कट करके दिखाया था। तो यहाँ पे ये जो दो गन्स हैं उसमें क्या है कि एक तो ये रोटेटेबल नोजल है और दूसरा जो है वो स्प्रेड होके जाता है। तो ये जो है इससे फंगस हो या गाड़ी धोना हो इतना फास्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि विद इन 20 और 30 सेकंड्स ये पूरा क्लीन हो गया फंगस होकर। हाँ। सो इससे ये काम हो जाता है, गाड़ी के नीचे हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, एवरीथिंग गेट्स क्लीन। और दूसरा जो है जो कट होके जाता है वो थोड़ा सा पास में रखना पड़ता है, क्योंकि वो इतना स्प्रेड हो जाता है ना कि एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट नहीं होता। जैसे स्टार क्यू W3 में कैसा है, वहाँ पे उनको सेटिंग में एक पॉइंट करने को मिलता है, सो द एंटायर प्रेशर गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड एट वन स्पॉट। तो उसकी वजह से वहाँ पे ईट जो है वो जल्दी कट जाती है। लेकिन प्रेशर वाइज अगर आप देखेंगे सो कार्शर का जो प्रेशर है वो स्टार क्यू W3 से भी ज़्यादा है। तो ओनली थिंग इज ये यहाँ पे स्प्रेड होके जाता है, वहाँ पे उस मशीन में आप पॉइंट कर सकते हो जो यहाँ पे नहीं होता। ओके, सो दिस इज वन थिंग। और बाकी मशीन बहुत अच्छा है, आपने अभी देखा होगा, ये तो जगह वैसे ही थोड़ी कम है, लेकिन अगर बड़ी दीवार भी अगर रहेगी और उसको अगर क्लीन करना है, कल मैंने मरे घर पे क्लीन किया था, सो मुझे लगता है कि इतनी दीवार अगर क्लीन करनी है ना तो 2 मिनट बस है। हाँ, 2 मिनट में पूरा फंगस निकल जाता है। और अगर आप इसको पास में अगर लेके जाते हो तो सीमेंट के साथ सब नीचे गिरेगा, इतना हाँ, प्रेशर है, इतना प्रेशर है। ओके, सो नेवर ट्राई लाइक दिस। थोड़ा सा दूर रह के आप वो क्लीनिंग का प्रोसेस करना, कभी भी दीवार के एकदम साइड में जाके वो ये नोजल पॉइंट मत करना, क्योंकि सीमेंट जो है वो पूरा निकल जाता है। और अंदर अगर आप घर के अंदर अगर क्लीनिंग करना चाहते हैं तो फ्लोर के लिए तो ठीक है, लेकिन फ्लोर क्लीन करते वक्त आपको एक ध्यान रखना है कि दीवार जो है उसके ऊपर पानी ना उड़े। अगर ये गलती से भी वहाँ पे पॉइंट हो जाता है ना तो पूरा आपका जो POP वगैरह रहेगा वो पूरा निकल के आ जाएगा, बिकॉज अंदर तो POP लगाते हैं, प्लास्टर करते हैं, फिर पेंट करते हैं, तो पेंट के साथ सब निकल जाए। दोस्तों मैं जो आपको है स्टार क्यू W2 और W3 से जो मैंने आपको ईट काट के दिखाया, तो अब ये बारी है कार्चर K2 का। मैं आपको अभी कार्चर K2 से भी ईट काट के दिखाऊंगा कटता है कि नहीं, अभी पता चल जाएगा इसमें प्रेशर कितना है ना। ऐसे स्प्रे तो अच्छा आ रहा है पर इसे ईट काटता कि नहीं वो मालूम पड़ेगा प्रेशर टेस्टिंग से। स्प्रे है ना वो थोड़ा सा राउंड राउंड होके आता है, फैला के आता है, इसलिए जो है ना वो पॉइंट करके एक जगह पे नहीं मार पा रहा है, मतलब फैला के मार रहा है, इसलिए क्या पूरा फुल ईटी उखाड़ रहा है। ये देखो कैसा स्प्रे आता है उसका, देखो ये पूरा एक पॉइंट होके नहीं निकल रहा है, इसके पास ये एक इशू है, मतलब जो है ना वो फोर्स होके एक जगह पे नहीं लग रहा। मैं आपको दिखाता हूँ ईट कैसा कट हो गया, दिखाता हूँ आपको। तो प्रेशर जो है एक जगह पे नहीं लग रहा है, देखो पूरा फुल फैल के यहाँ से यहाँ तक पूरा प्रेशर लग रहा है, मतलब राउंड राउंड होके ऐसा ऐसा पानी निकल रहा है ना। तो ऐसे में क्या हो रहा है वो पॉइंट होके नहीं निकल रहा, बल्कि ईट को नहीं काट पा रहा है वो। ऐसे तो थोड़ा बहुत उखड़ गया, मतलब देखो ईट जो है ना थोड़ा उखड़ गया यहाँ से, देखो यहाँ पर ना ईट तो उखड़ गया है वो। ये देखो पूरा मट्टी तो इधर का लाल लाल हो गया है, पूरा सीमेंट मतलब मट्टी तो उखड़ रहा है मतलब ईट से, पर क्या है वो पॉइंट होके नहीं निकल रहा, बल्कि ईट को नहीं काट पा रहा है, ऐसे कट जाएंगे मतलब काफ़ी टाइम लगेगा, पूरा तोड़ के आ रहा है जो है ना। तो ऐसे प्रेशर की कुछ कमी नहीं है, बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें आप सीधा पॉइंट से नहीं मार सकते, ये थोड़ा वो पॉइंट मतलब गोल गोल होकर घूम के आता है। तो हमने अभी इसको दूसरा गन पॉइंट लगाया था तो जो फ्लैट टाइप आ रहा था उसमें से जो हमने जब हमने लगाया तब थोड़ा बहुत कट किया, देखो जैसे है ना वो मतलब थोड़ा टाइम और एक मिनट मारा तो कट हो जाएंगे, ऐसा हमारा कपड़े भी सब गंदा हो रहा है कुछ मतलब नहीं, पर ईट इसमें से भी कट हो जाएंगे, प्रेशर उसमें भी ज़बरदस्त है वो। ये देखो कार्चर K2 जो है ना इसमें भी प्रेशर बहुत अच्छा है, बस लेकिन क्या है इसको थोड़ा टाइम लग रहा है मतलब कट होने को, इसका स्प्रे थोड़ा सा स्प्रेड होकर निकलता ना इसीलिए, ऐसे पॉइंट होता तो अब तक ये भी काट देता, बहुत अच्छा प्रेशर है इसमें से भी, इसमें कोई इशू नहीं। ये देखो फंगस भी फास्ट निकलता है ज़बरदस्त,
वहां से निकल गया जी। वॉश कर सकते हैं इससे। थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये मशीन चाहिए कार्चर K2 तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के खरीद सकते हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।